मैं आज कराची में काफ़ी अरसे बाद उठा हूँ बिकॉज़ मैं पिछले 2 महीनों से 3 ट्रिप्स पे गया हूँ। पहले मैं गोरख गया था, फिर मैं लंदन गया और फिर मैं लाहौर गया था। तो इस चक्कर में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने कराची में अपने अजीम कमरे में सोया हूँ। तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन अभी जो मैं सो के उठा हूँ कराची में, तो मेरे दिल में कुछ बातें चल रही हैं अबाउट दिस होल सिनेरियो जो मैं आज आप लोगों से करना चाहूँगा। क्या हाल है ब्रो? जब मैंने मैंगोबास की जॉब छोड़ी और मैंने अदर नवीद स्टार्ट किया तो मेरे जहन में ये भी था कि यार अब मुझे बहुत ट्रैवल करने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट थी और वो होनी भी चाहिए थी बिकॉज वो एक वाकई बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट है इस तरह की जॉब का। तो फिर मैंने अदर नवीद स्टार्ट किया, मैंगोबास छोड़ा और विद इन द फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने 3 ट्रिप्स मार ली। तो जो प्लान था आपके भाई का ट्रैवल लॉग्स वाला ट्रिप्स वाला, वो परफेक्टली ऑन ट्रैक चल रहा था। तो मैंने जो जो चीज़ें इमेजिन करी मेरी ट्रिप्स के बारे में कि मेरी ट्रिप्स ऐसी गुजरेंगी या फिर ट्रैवल लॉग करना ऐसा होता होगा, उनमें से जो सारी अच्छी बातें मैंने इमेजिन की थी वो सब सच हैं। मतलब अगर आप ट्रैवल लॉग्स बना रहे हो तो आपको बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आपको बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और थोड़े टाइम बाद आपको इससे पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। मुझे अभी नहीं मिल रहा, मैं अभी ट्रैवल से पैसे नहीं कमा रहा ऑब्वियसली, लेकिन मिल जाएगा मुझे पता है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने गुड चीज़ें इमेजिन की थी ट्रैवल लॉगिंग के बारे में वो सच है। लेकिन अगर आपने रंग दे बसंती देखी हो तो उसमें एक बात कही गई थी कि कोई भी देश या कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो ये 3 ट्रैवल लॉग्स बनाने के बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि ट्रैवल लॉग्स के बारे में परफेक्ट क्या नहीं है। लेकिन जो चीज़ परफेक्ट नहीं है वो चीज़ परफेक्ट हो भी नहीं सकती, बिकॉज अगर वो परफेक्ट हो जाएगी तो फिर आपका काम अच्छा नहीं होगा, ट्रैवल लॉग्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये कोई रोने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक रियलाइज़ करने वाली बात ज़रूर है। जब मैं 3 ट्रैवल लॉग्स बना के भी आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं पहले वाले में गया था गोरख, तो मैं इस नीयत से गया था कि मैं बस चिल करने जा रहा हूँ गोरख, इन्जॉय करने जा रहा हूँ और साथ में मैं ट्रैवल लॉग बना लूँगा। लेकिन उस ट्रिप पर मैंने रियलाइज़ किया कि आप इस नीयत से अगर जाओगे तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। आप अगर ट्रैवल लॉग बनाने जा रहे हो तो आपने काम की नीयत से जाना है, आप घूमने नहीं जा रहे, आप लिटरली काम पे हो, आपका वर्क डे हो। तो आपका दिमाग आपने एक्टिवेट इस तरह ही करके रखना है कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी दिन अपने ऑफिस जा रहे होंगे। और ये वाली बात मसले वाली तब बनती है अगर आपके दोस्त भी आपके साथ जा रहे हों, क्योंकि अगर वो ट्रैवल लॉग नहीं बना रहे आप बना रहे हो तो उनका किसी वक्त मूड हो सकता है कि यार मैं ज़रा वहाँ जा रहा हूँ खाना खाने, लेकिन आप खाना खा के आ चुके हो या फिर आपने खाना नहीं खाना, आपने इस वक्त कुछ और करना है, कहीं और के शॉट लेना है या कुछ एडिट करना है, तो आपने वो पहले करना है, आपको उनके साथ नहीं जाना। और इस पॉइंट पे आपको थोड़ी दिल पे बात लगेगी कि यार मैं ट्रिप पे आया हूँ, मैं तो दोस्त जा रहे हैं नहीं। और तीसरी बात कि अगर आप अर्ली यूट्यूबर हो, जिस तरह मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, छोटा तो खैर इज़ नॉट गुड वर्ड, आप अर्ली यूट्यूबर हो तो आपको इस वक्त थोड़ा क्वांटिटी फोकस भी होना पड़ेगा अपने ट्रैवल लॉग्स के, अपने ब्लॉग से वाले से, कि अपने ब्लॉग जल्दी निकालने। तो अगर आप सही रास्ते पे आना चाहते हो तो फिर आपको अपने ट्रैवल लॉग की वीडियो अपने ट्रैवल लॉग के टाइम पे ही निकालनी है, उन्हीं दिनों में निकालनी है, उस वक्त निकालनी है, ताकि आपकी ऑडियंस को ये भी फील होए कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, और बी कि आपके ट्रैवल लॉग एक्चुअल होने में और आपकी वीडियो और आपकी वीडियो रिलीज होने में टाइम बहुत ना लग जाए। तो अगर आप एडिट भी साथ कर रहे हो, जिस तरह मैंने लंदन में लाहौर में एडिट साथ किए थे, तो फिर आपके लिए वो बहुत थका देने वाली ट्रिप होने वाली है, क्योंकि आप दोपहर में घूमने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो, यहाँ वहाँ वॉक करने वाले हो, और रात में आप घर आके एडिट करने वाले हो, फिर आप दोपहर में वही चीज़ करने वाले हो जो फिर आपने पहले की है। दिस इज़ वेरी टायरिंग। और उसके अलावा क्योंकि आप वैसे ही ट्रैवल कर रहे होते हो तो ट्रैवलिंग की थकान अलग होती भी है। और मैं तो क्योंकि अभी 3 लगातार ट्रिप्स मार के आ रहा हूँ, तीनों काम बेस्ड ट्रिप मार के आ रहा हूँ, तो वो ट्रैवलिंग की और काम की वो तीनों की ट्रिप्स की थकान मिलाकर अभी जब मैं लाहौर से वापस आया हूँ तो मैं बहुत थक गया था। मतलब मैं फिजिकली मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। और मैं जब आया हूँ तो लिटरली 2 दिन तो मुझे लगे हैं अपने आप को रीस्टार्ट करने में। 2 दिन मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया और मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, तो 2 दिन मैंने अपने आप को प्रॉपर दिए रीस्टार्ट करने के। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मसला है एक और है। सबसे बड़ी बात जो मुझे रियलाइज़ हुई इस पूरे ट्रैवलॉग वाले सीन के बारे में कि मैं गोरख गया, गोरख बहुत आला था, लंदन गया बहुत ही आला था, लाहौर गया बहुत मज़ा आया, लेकिन
इन तीन ट्रिप्स के चक्कर में पिछले दो महीने में मैं लिटरली सिर्फ 12 दिन कराची में रहूं। तो जब मैं इतना टाइम कराची से बाहर रहा और फिर मैं कराची वापस आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कराची को कितना मैंने मिस किया। मतलब कराची के खाने, कराची के लोग, कराची की मेरा कमरा, मेरी फैमिली, मेरी रोडें, मेरी गाड़ी, मेरे चाय, सब बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने कराची की चीज़ों का। मुझे उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ जब मैं वहाँ पर था, क्योंकि उस वक्त आप इतने बिजी होते हो कि आपको रियलाइज़ नहीं होता। तो वापस आने के बाद मुझे बात हिट की है, ऐसा फील हो रहा था कि कराची मुझे शायद बुरा ना मान गया, पता है, मुझे लिटरली ये फीलिंग आ रही थी। और ये फीलिंग बहुत गंदी है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो आज जो मैं दोबारा कराची में अपने कमरे में सोने लगा हूँ काफ़ी अरसे बाद, तो मुझे बस ये ख्याल आ रहा है कि मैंने अपने कराची को मनाने के लिए, अगर तो वो मुझसे रूठा हुआ है, तो कराची को मनाने के लिए मैंने कुछ नेक्स्ट लेवल करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो तीन दो और महीने मैं कराची को भूला रहा हूँ और कराची मुझे भूला रहा है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं अपना लव कराची के लिए एक्सप्रेस कर सकूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ करनी है कराची के लिए। अब क्या करनी है जानते हैं अगली वीडियो में। तख़लिया।